दोस्तों आज एक 3.5 लाख फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम के वीडियो क्रिएटर जो हैं उनकी आईडी को हैक कर लिया गया। अब उनकी आईडी जो है इंस्टाग्राम की आईडी उनके पास उनके हैंड में नहीं है, उनका एक्सेस किसी और के पास जा चुका है और उनका आईडी हैक हो चुका है। तो उन्होंने क्या गलती की थी, उन्होंने अपने चैनल पर अपने आईडी पर दो गलतियां की थी। एक गलती तो पहले से की थी और एक गलती आज जो कि उनका आईडी हैक हुआ है उन्होंने वो दूसरी गलती आज की थी। तो वो दो गलती की थी और कौन है वो शख्स जिनकी इंस्टाग्राम आईडी पर जो है 3.5 लाख के 2,75,000 प्लस जो है फॉलोअर्स थे, अब 3 लाख पूरने ही वाले थे और उनकी महीनों की सालों की 3 सालों की मेहनत जो है उनके पानी में मिल चुकी है। तो वो कौन है क्रिएटर, वीडियो क्रिएटर, और उनके आईडी का नाम क्या है, और उन्होंने पहले क्या गलती की थी, आज क्या गलती की है, और आप आगे कौन सी गलती नहीं करने वाले हैं, तो सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा और आप लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि आप लोग भी सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने इंस्टाग्राम आईडी या फिर यूट्यूब आईडी या फिर फेसबुक आईडी की सभी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेफ रखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग इस वीडियो को अगर मिस कर दिए तो कल दिन आपके साथ भी ये दुर्घटना घट सकती है जो कि उस क्रिएटर के साथ घटी है और आज वो बहुत ही रो रहे हैं और बहुत ही दुखी हैं। तो चलिए जानते हैं, आगे बात करते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार, आप सबका स्वागत करता हूं आर्या एंड भाविया हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको हर दिन जो है कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलते रहता है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक हमेशा पहुँचती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर उनके साथ क्या दुर्घटना घटी जो कि आज वो बहुत ही दुखी है और उनका आईडी उनके पास नहीं है। जब उन्होंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया था तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो प्रोफाइल होता है तो उसमें एक ईमेल आईडी लोग डाल के रखते हैं ताकि उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या गलती की थी कि जिस ईमेल आईडी से मतलब उनका आईडी था उसी ईमेल आईडी को वो वहाँ पर फिल कर देते हैं। जिस ईमेल आईडी से उनका इंस्टाग्राम आईडी था उसी ईमेल को वो क्या करते हैं वहाँ पर फिल कर देते हैं और वो पब्लिक हो जाता है, वो पब्लिकली रहता है। तो स्टार्टिंग में जब आपकी आपके फॉलोवर्स कम रहते हैं या फिर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम रहते हैं तो लोगों का ध्यान आपके चैनल पर उतना नहीं जाता है, हैकर्स भी ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपके लाख, 2 लाख या मिलियन में आपके फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लोगों की नज़र जो है आपके चैनल पर, आपके आईडी पर पड़ जाती है और वो उसको किसी भी तरह हैक करना चाहते हैं, और हुआ भी वही आज। तो उन्होंने वो ईमेल आईडी जो है पहले से दे रखी थी तो उस ईमेल पर जो है एक मेल आता है और वो हूबहू जो है आपको पता नहीं चलेगा कि ये इंस्टाग्राम के तरफ से आया है, यूट्यूब के तरफ से आया या किसी हैकर का, सेम वैसा ही ईमेल आईडी रहता है जो कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम का मैसेज आता है, सेम वैसा ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है या फिर रियल है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो हुआ ये कि वो ईमेल आया तो वो बैच को लेकर था, वो ब्लू टिक बैच जो होता है उसी को लेकर था। तो उन्होंने हमको मैसेज किया था कि क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन था। ऐसे नॉर्मली हम लोगों के यूट्यूब पर भी या फिर इंस्टाग्राम किसी पे भी आता है सर्वे के लिए या फिर कुछ, तो हम लोग जो है उसको वेरीफाई करते हैं, सर्वे करते हैं। तो मैंने नॉर्मली उनको बोल दिया कि आप जो है इसको वेरीफाई कर लीजिए, तो उसके बाद कट हो गया। वेरीफाई करने के चक्कर में जब वो वेरीफाई कर रहे थे तो उन्होंने क्या गलती कर दी, पहली गलती तो उन्होंने ये कर रखी थी कि अपने आईडी पर वो प्रोफाइल में अपना ईमेल आईडी डाल रखे था, और दूसरी गलती उन्होंने क्या कर दी, वहाँ पर ऑप्शन आया यूजर नेम और पासवर्ड, और उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड जो है फिल कर दिया और उसको सबमिट कर दिया, और कुछ ही देर में उसके मेल पर एक मेल भी आता है कि उसका इंस्टाग्राम के मेल जो रहता है मेल आईडी, वहाँ पर ईमेल आईडी भी वो चेंज हो जाती है और उनका आईडी जो है उनके हाथ से बाहर चला जाता है और वो हैकर के पास चला जाता है। अब वो जो है अभी इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे तो उनकी आईडी नहीं मिलेगी आपको, वहाँ पर नो येट ऐसे कुछ आ रहा है, नो वीडियो कुछ भी, मतलब शो ही नहीं हो रहा है ऐसा कुछ आ रहा है ऑप्शन। तो अभी उनका जो है इंस्टाग्राम आईडी अभी हैक हो चुका है और उनके हाथ में नहीं है और वो बहुत ही रो रहे हैं और वो बहुत ही अपसेट हो चुके हैं और अभी उनका मूड इतना ख़राब हो गया है, वो बोलते हैं कि मेरा 3 सालों का मेहनत जो है बर्बाद हो गया, इतने लाखों में सब्सक्राइब फॉलोवर्स और हज़ारों में वीडियोज़ जो है उनका डिलीट हो चुका, मतलब हैकर के पास जा चुका है, तो मुझे मरने का मन करता है, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके साथ ये घटना कभी घट जाती है तो आप लोग मायूस ना हो, आप लोग चिंता ना करें, ये समस्या का समाधान नहीं है खुद को ख़त्म करना। दोस्तों
मेरा जो है YouTube चैनल जो है हमने स्टार्ट किया था 2017-18 में ही, और साल दो साल मेहनत किया था। 1300 सब्सक्राइबर्स थे, हज़ारों में वीडियो थे, लेकिन वो चैनल जो है स्ट्राइक के वजह से हमारा YouTube चैनल डिलीट हो जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि मनोज डे का हुआ था, वैसे ही मनोज डे का भी एक आईडी जो है उनका YouTube चैनल उनका भी वो जो है डीएक्टिवेट हो जाता है। तो क्या वो मायूस हो गए? नहीं, उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। उनका अभी जो है 50 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और मैंने भी वो स्टार्ट किया फिर से। मैं भी एक महीने के लिए डिप्रेशन में चला गया था, अच्छा ही नहीं लग रहा था, कैसे ज़िंदगी जी है, चैनल नहीं डिलीट हो गया, 1300 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन मैंने फिर मनोज डे का वीडियो देखा और फिर से स्टार्ट किया, और आज मेरे YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं 5000 से भी प्लस में सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, और हमारी YouTube फैमिली जो है 5000 प्लस हो चुकी है। अगर कभी आपके साथ भी ये घटना घटती है तो आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? तो मेरा ये मानना है कि आपको जो है उस पे थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से आपको प्रयास करना चाहिए, और ओटीपी वगैरह या फिर फॉरगेट कुछ भी करके अगर वो वापस आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो उस पे शोक मनाने से कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप सोच मनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे महीनों महीनों, लेकिन आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आपको जो है अपने पत्थर पर कलेजा रख कर आप क्या बोला तूने मैं अपने पत्थर पर कलेजा रख कर आप आपको आगे बढ़ना है, आपको एक नए शुरुआत से काम करना है, आपको फिर से नया स्टार्ट करना है। जैसे हम लोगों ने मैंने क्या मनोज देने स्टार्ट किया, उसी तरह से आपको फिर से स्टार्ट करना है एक नए सिरे से, क्योंकि आदमी को ठोकर लगने के बाद ही जो है उनको समझ में आता है कि हमको क्या गलती नहीं करना है। अगर आप ठोकर से सीख जाते हैं तो आप सक्सेस जरूर हो जाएंगे, और आप अगर उस ठोकर से डर जाते हैं तो आप जो है सफल नहीं हो पाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे। इसीलिए मेरा ये कहना है कि आपके साथ भी कभी ये घटना घटती है तो आप प्रयास कीजिए, अगर वो वापस आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक नया स्टार्ट कीजिए, और आपने जो गलती की थी उस गलती को कभी भी नहीं दोहराना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपको पहली गलती ये नहीं करना है कि आपको जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम आईडी है वो कभी भी आपको प्रोफाइल या अबाउट में नहीं डालना है। आपको दूसरा बिजनेस ईमेल आईडी जो है बनाकर वो रख लेना है, उसको वहाँ पर फिल करना है। और दूसरी गलती ये आपको कभी नहीं करना है कि कोई भी लिंक हो या फिर कुछ भी हो उस पर अगर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर यूज़र नेम या फिर पासवर्ड आ रहा है या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड, तो आपके आईडी या फिर चैनल का पासवर्ड के साथ में कभी भी वो फिल नहीं करना है। आए दिन आप खबर में सुनते होंगे कि कोई भी बैंक या फिर कुछ भी कोई भी ओटीपी नहीं मांगता है ना ही पूछता है। तो आपको अपना चैनल बचाने के लिए, आईडी बचाने के लिए खुद ही आपको सतर्क रहना होगा, कोई दूसरा आपका आईडी चैनल नहीं बचा पाएगा, वो आपको सुरक्षित खुद रखना होगा, क्योंकि सारे एक्सेस आपके पास होते हैं। इसलिए आपको आईडी पासवर्ड कभी भी लाइफ में फिल नहीं करना है, ना ही देना है, आपको अच्छे से जान परख लेना है। जानने परखने के बाद भी आपको आईडी पासवर्ड देना ही नहीं है बिल्कुल, तो दूसरी गलती ये आपको कभी भी नहीं करनी है। तो आप नए सिरे से स्टार्ट कीजिए अगर आपके साथ ये घटना घटती है, और फिर से आप जो है वो गलती नहीं दोहराएंगे और आप धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि जो इंस्टाग्राम का क्रिएटर था, वीडियो क्रिएटर, उनका कौन क्या नाम है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका ये नाम था और उनकी आईडी का ये था। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, आप देख लीजिए। तो दोस्तों आपने देख लिया, और अगर इन फ्यूचर इनका इंस्टाग्राम का आईडी अगर फिर से नया बनता है और ये अगर हमें देते हैं तो हम इनका जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग इनको जाकर सपोर्ट कीजिएगा और प्यार दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।